का सा जैसे कहते हैं ना नोज की ब्लॉकेज वो थोड़ा इशू हो रहा है मुझे आगा साहब. हर मसले का हल अल्हम्दुलिल्लाह आगा साहब के पास मौजूद है. ये वाली जब आपको फीलिंग आने लग जाए कि आप मामला हो गया है गड़बड़ और आप होने वाले हैं बीमार, क्या करना चाहिए आगा साहब? दो काम. क्या? एक ग्लास पानी में 15 लौंगे और 1 टेबलस्पून नमक डालें, उसको खूब अच्छी तरह बॉईल करें, उसको मलमल के कपड़े से छान लें और उस पानी से गरारे करें और नाक साफ करें. नमक वाले पानी से ही? नमक वाले पानी से, जो नॉर्मल सलाइन वाटर है उसमें हमने लौंग ऐड कर दी, उससे गला साफ करें, नाक साफ करें, तो पहली फीलिंग तो वहाँ बेहतर हो जाएगी. दूसरा ये कि 1 टेबल स्पून लें शहद, 1 टेबल स्पून लें सौंठ पाउडर, 1 टेबल स्पून लें दालचीनी पाउडर, 10 टेबल स्पून लें शहद, इन सबको मिक्स करें. इसमें से 1 टेबल स्पून खाकर चाय या कॉफ़ी पी लें. मेरा ख्याल है 10 या 12 मिनट लगेंगे, सबको ठीक हो जाएगा. तो आगा जी ने जो आपको एक ज़बरदस्ती टिप शेयर की है कि आपने स्टीम लेनी है और आपने कॉफ़ी के साथ वो शहद और सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 10 चम्मच शहद. और अगर स्टीम लेनी है तो फिर आपकी इस महफिल से फ़ायदा उठाऊं, मुझे एक कदर वो चाहिए होगा टिश्यू पेपर. टिश्यू पेपर चाहिए होगा? देखिए मैं अभी टिश्यू पेपर लेकर आती हूँ पूरा. मुझे पता है आगा जी क्या बता रही हूँ. अच्छा पता है तो आप बता दीजिए. नहीं मैं आप बताएंगे, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि आप क्या बताना चाह रहे हैं. असल में जो लोग इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ज़रूर, जो लोग स्टीम लेते हैं असल में वो एक छोटी सी गलती कर रहे होते हैं. अच्छा. होता ये है कि वो पतीली में पानी गर्म करते हैं, उसके बाद वो टॉवल डाल करके और वो मुंह इस तरह करके स्टीम ले रहे होते हैं. अच्छा हम लोग तो स्टीमर रखा हुआ है हमने इलेक्ट्रिक. बात ये नहीं, हम तो आम लोगों की बात करते हैं जो मतलब किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनके पास स्टीमर नहीं है, स्टीमर अवेलेबल फिर क्या करें? तो वो एक टॉवल लें और उस टॉवल के बीच में इस तरह सुराख कर लें और वो अपने चेहरे पर पहन लें और इस तरह पहने कि सिर्फ नॉस्ट्रल खुले हों और बाकी चेहरा ढका हुआ हो. इसलिए कि स्टीम ना आपके चेहरे पर लगनी चाहिए ना आपकी आंखों पर लगनी चाहिए. जब तक आप उसे सेफ नहीं कर लेंगे उस वक्त तक उस स्टीम का आपको फ़ायदा भी नहीं होगा. और अदरवाइज ये हो सकता है कि स्टीम से आपकी आंखें जल जाएं, आपका चेहरा जल जाए, आपके जो पोर्स हैं वो खुल जाएं, तो उससे बहुत मुश्किल होती है. तो लिहाजा स्टीम लेते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें.